नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, कोरोना को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी होने वाला है और सूत्र ये बता रहे हैं कि आज शाम केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग हो सकती है और उसमें कुछ अहम फैसले जो हैं लिए जा सकते हैं। उधर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी संकेत दिए हैं कि वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने पूरी तैयारियाँ जो हैं कर रखी हैं। पहले वो अनिल विज की बाइट सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है इस सारे मामले में। उनका ये भी कहना है कि वो लोग पूरी तरह अलर्ट है और पहले की तरह जो तैयारियां उनकी अधूरी थी वो अब पूरी कर ली गई हैं और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आएगी मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग की, उसको पूरा करना होगा। हालांकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने अपील भी की है और सलाह भी दी है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश में ऐसे भयंकर मामले सामने नहीं आ रहे। और उधर ये भी अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, क्योंकि इस दौरान अफवाहों का दौर जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता जाता है। लेकिन अफवाहों से बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि देश में अभी कम मामले हैं, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर जो है देश की केंद्र सरकार जो है वो निर्देश जारी कर सकती हैं और कुछ पाबंदियां जो हैं वो भी लगा सकती हैं। क्या कहते हैं अनिल विज, सीधा अनिल विज के पास आपको ये चलते हैं। पूरी तरह से तैयारी है हमारी और पिछले जो लहर आई है उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पूना जाना पड़ता था टेस्टिंग कराने के लिए। अब RT-PCR मशीन मैंने हर ज़िले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू के केसेज हमने भी पूना भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशेंट मात्रा में हैं। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो हॉस्पिटल है उसमें PSA प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। मेडिसिंस भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स है। सभी तरह से हम तैयार। फिलहाल हरियाणा के लोगों को डरने की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, किसी प्रकार का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो सबको लिए आवश्यक है और वो स्वयं से लोगों को पालन करना चाहिए। सर, केंद्र की गाइडलाइन आएगी तो लागू पूरी तरह से वो होगा? कोई भी केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसको पूरी तरह से हमारे प्रदेश में लागू किया जाएगा। और दोपहर 3:30 बजे नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक लेंगे और उस बैठक में निर्देश दिए जाएंगे कि आगे क्या क्या करना है। उधर ये भी बताया जा रहा है कि बाहर से जो फ्लाइटें आ रही हैं उनके जितने भी यात्री हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी और हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि चीन में जो हालात हैं वो काफ़ी भयावह नज़र आ रहे हैं, इसी को लेकर इंडिया में अब सख्ताई बरतनी जो है अब शुरू हो गया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, इससे पहले कल मनसुख मंडावलिया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने निर्देश दिए थे, अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि कोरोना को बिल्कुल पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ उन्हें कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए वो पहले से तैयारियां जो है अब करने लगे हैं। और साथ ही कल राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उनके पास भी एक लेटर पहुंचा था कि वो अपनी यात्रा जो है रोक दें, क्योंकि कोरोना जो है एकदम भयावह रूप ले सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन नहीं कर रहे। तो आज शाम दोपहर साढ़े तीन बजे जो है देश के प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं, तो कुछ पाबंदियां जो हैं देश के ऊपर वो लगाई जा सकती है, ऐसा जो है सूत्र बता रहे हैं। और एक बार फिर से कोरोना को लेकर अलर्ट जारी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आज समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं और एक बार फिर से कोई ना कोई अलर्ट जारी हो सकता है कोरोना को लेकर। हालांकि देश में कोरोना के मामले जो हैं इस बार इतने ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे, लेकिन फिर भी तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक है जो आज प्रधानमंत्री लेने जा रहे हैं और एक अहम कदम जो है फिर से उठाया जाना है। उधर केंद्र जो कांग्रेस सरकार है, कल ही उनके जो नेता हैं उन्होंने टिप्पणियां की थी कि गुजरात में जो रैलियां हुई हैं, बंगाल में जो रैलियां हुई हैं, तब वो कोरोना के मामले कहां गए थे। अब देखना होगा कि शाम होते होते तक क्या अलर्ट जारी होता है और देश के प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।